Hello, my dear friends. Welcome to Chemistry Nuggets, where you can polish your knowledge and clear your doubts. So, friends, आज का वीडियो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन द कंपाउंड Fe3O4. तो चलिए देखते हैं, ये जो कंपाउंड है Fe3O4, इसको हम जनरल नेम फेरस फेरिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं। इसका अगर हमने फॉर्मूला रखकर नॉर्मल तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो हमेशा आंसर गलत आएगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। तो इसके लिए हमेशा हमको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तभी हम सही ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें बीच में एक ऑक्सीजन आएगा, इसके दो तरफ दो आयरन लगेंगे, फिर इधर भी आयरन से जुड़ेगा, फिर ये यहां भी ऑक्सीजन आएगा और ये आयरन आएगा और फिर ऑक्सीजन और ये आयरन। तो देखिए इस स्ट्रक्चर में चार ऑक्सीजन है और तीन आयरन है। तो दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ फेरस फेरिक ऑक्साइड। अब इस स्ट्रक्चर से हम कैलकुलेट करेंगे अपना ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी कोई बॉन्ड बन रहा है, हमें पता है अगर भी कोई दो एटम्स के बीच बॉन्ड बना हुआ है और अगर बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, जिसकी वजह से बी पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और ए पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। और यही तो बेस है हमारे ऑक्सीडेशन नंबर का, कि जो चार्ज क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ द पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को हमने ऑक्सीडेशन नंबर कहा है या ऑक्सीडेशन स्टेट कहा है। तो यही कॉन्सेप्ट लेके हम चलेंगे। यहां पर किसी के बॉन्ड पर जो दो एटम लगे हैं उनको वर्क किया जाता है, ठीक है, हर एक बॉन्ड पर अलग वर्क करना है। यहाँ इस वाले बॉन्ड पर देखें, अगर ऑक्सीजन और आयरन के बीच एक बॉन्ड है, ऑक्सीजन पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है आयरन से, तो क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो यहाँ पर इस पे -1 चार्ज आ जाएगा और आयरन पे क्या होगा, सेम वे में +1 चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए, तीन ऑक्सीजन लगे हैं, इट मींस यहाँ पर +1 और +1 ऐसे चार्ज आ जाएगा। हम कह सकते हैं कलेक्टिवली कि आयरन पर कितना चार्ज हो गया है, क्योंकि तीन मक्का पुलिंग हो रही है तो +3 चार्ज, ठीक है। इसी तरह इस वाले आयरन पर चेक कर लीजिए, एक बार ऑक्सीजन से हो रही है, दूसरी बार, तीसरी बार, तो कितने बार हो गया, +3। इस वाले ऑक्सीजन पे चेक करिए, एक बार और दो बार, दो ऑक्सीजन से जुड़े हैं यानी कि टू टाइम्स टू बार बन रहे हैं, टू बार पुलिंग हो रही है, तो यहाँ पर आयरन पे कितना चार्ज आ गया, +2, एक बार इधर से और एक बार इस वाले ऑक्सीजन से। तो इस तरह से हमने देख लिया कि यहाँ पर जो आयरन है उनमें से दो आयरन पर +3 चार्ज है और एक आयरन पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा। अब इसी तरह ऑक्सीजन का भी देख सकते हैं हम, देखिए हर बार ऑक्सीजन पे दो बॉन्ड बने हैं, एक ऑक्सीजन पे दो बॉन्ड, मतलब एक बार इधर साइड से और एक बार इधर साइड से +-1, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो -1 -1 दिखाएगा। तो कलेक्टिवली हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -2। उसी तरह इस वाले ऑक्सीजन पे देखिए, दो बार पुलिंग हुआ है तो -2 और इस वाले ऑक्सीजन पे भी -2। अब सेंट्रल वाले ऑक्सीजन देख लें, इसमें भी दो ही बार हो रहा है, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट -2। तो हमने ये पढ़ रखा है, इन जनरल केस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 रहता है, कुछ एक्सेप्शन जो के जहां पर उसका -1 या -1/2 हो जाता है। तो जनरल केस में -2 इसका शो करता है, यानी कि ये स्ट्रक्चर करेक्ट है। और यहाँ पर जो आयरन है, एक बार +3 शो कर रहा है और एक बार आयरन अपनी +2 स्टेट शो कर रहा है, तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, यही इसका आंसर होगा। तो होप आपको समझ आ जाएगा, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस इसका स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत है, कुछ एक्सेप्शन से बहुत सारे नहीं है, होंगे 10-12, तो उनको याद रखना आसान है। स्टूडेंट पढ़ते रहिए और सवाल करते रहिए। Thank you.